रिपोर्ट से बजू मोटा बाजार दिवाली तक 1 लाख करोड़ पहुंच सकता है। दिल्ली में कारोबार धनवंतरी पर सोने चांदी के जेवरात समेत अन्य सामान की जमकर खरीदारी हुई। एक अनुमान के अनुसार करीब 5000 करोड़ का कारोबार हुआ। दिवाली तक 1 लाख करोड़ के व्यापार की उम्मीद है। दिल्ली के ज्वेलरी मार्केट में जमकर सोने चांदी की खरीदारी हुई तो वही डिप्टीगंज मार्केट में स्टील पीतल ब्रॉन्ज के बर्तनों की खरीदारों का तांता नहीं टूट रहा था। इसी तरह दिल्ली के छोटे से बड़े ज्वेलर और बर्तन की दुकानों पर भीड़ उमड़ रही। धनतेरस पर दिल्ली के बाजार गुलजार रहे सोने चांदी की तो जमकर बिक्री हुई। एक अनुमान के अनुसार दिल्ली NCR में रविवार तक 100 टन सोने की बिक्री होने की उम्मीद है। शनिवार को ही करीब 70 टन सोना बिक गया। इस दिन खास तौर पर सोना चांदी के आभूषण के साथ ही सभी प्रकार के बर्तन रसोई का सामान की खरीदारी जमकर हुई। सोना चांदी हीरे की जमकर खरीदारी हुई। सोने के सिक्के नोट व मूर्तियों को भी धनतेरस पर बड़ी मात्रा में खरीदारी हुई। चांदनी चौक दरीबा कला मालीवाड़ा सदर बाजार कमला नगर अशोक बिहार मॉडल टाउन शालीमार बार वजीरपुर पीतामपुरा राजौरी गार्डन साउथ एक्सटेंशन ग्रेटर किला ग्रीन पार्क लाजपत नगर प्रीत बिहार शाहदरा लक्ष्मी के बाजार गुलजर रहा। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल के अनुसार धनतेरस का त्योहार दिल्ली सहित देश भर के व्यापारियों के लिए माल की बिक्री का एक बड़ा दिन है। इस बार कुछ लोग शनिवार को तो कुछ लोग रविवार को भी धनतेरस मनाएंगे। लिहाजा उम्मीद है कि रविवार तक 100 टन सोना इन जगहों से बिक जाएगा। 25 से 30% अधिक खरीदारी व्यापारियों के अनुसार इस साल 25 से 30% अधिक की खरीदारी हुई। सदर बाजार का डिप्टीगंज मार्केट धनतेरस पर स्टील पीतल क्रॉकरी बर्तन की जमकर खरीदारी हुई। महंगाई के बावजूद लोगों की भीड़ खरीदारी में जुटी रही। 1 लाख करोड़ तक कारोबार होने की उम्मीद।